बच्चों में बड़े होते दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th मेरा भी विचार नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि क्या होता है कि अभी बच्चे अपने घर पे हैं तो अपनी हिफाजत में है और बच्चा जब स्कूल जाएगा वहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंस का कुछ रूल्स होगा और बच्चे एक दूसरे में मिलेंगे जुलेंगे तो इस वजह से क्या होगा बच्चा ना समझे और सोशल डिस्टेंस का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा अगर अपन एक बात कहते हैं कि भाई इतनी जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की तो अपन घर पे हैं और सेफ हैं। अजमेर शहरवासियों को क्या अपील करना चाहेंगे बच्चों के मामले स्कूल भेजें या नहीं भेजें? नहीं, मेरी यही अपील रहेगी कि घर पे रहकर जो आप पढ़ाई करवा सकते हैं उससे बेटर स्कूल में नहीं हो पाएगी। और क्या बच्चों के होमवर्क भी आ रहे हैं स्कूलों से? बिल्कुल आ रहे हैं, हम उसी पे ही फोकस दे रहे हैं बिल्कुल कि जो स्कूल से जो भी होमवर्क आ रहा है जो बच्चों को घर पे बिठा के करवा रहे हैं हम और जो इसका जो पढ़ाई वगैरह जो भी हो रही है वापस रिप्लाई भी कर रहे हैं हम। स्कूल वालों ने कहा है कि बच्चों को भेजने के लिए या नहीं? अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आप अपना डिसीजन यही लेना चाहते हैं कि मैं अपने आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे? बिल्कुल सर। आपका नाम? मेरा नाम किशन जाटोलिया है और मैं पहाड़गंज का निवासी हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं भेजूँगा भैया बच्चों को स्कूल, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि कई बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, टॉयलेट भी एक ही रहता है उसमें, बच्चा सबके हाथ लगते रहते हैं और आसपास में बच्चे बैठते ही है, तो अब बच्चों को भेजना बेकार है अभी तो। और क्या कारण, क्या मानते हो आप? मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को अभी इस टाइम में तो भेजना ही नहीं चाहिए स्कूल, क्योंकि इनको बीमार हो जाएंगे तो फिर ये और को बीमार करेंगे, इस बीमारी को लेकर इनको स्कूल नहीं जाना चाहिए अभी। ये बीमारी जैसे कैसे हो रही है स्कूल भले एक साल खराब हो जाए पर बच्चों को तो देखा जाएगा ना पहले, बीमारी तो चल रही है अब बच्चे बीमार होंगे तो फिर फालतू में हमारे को बैठना पड़ेगा। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? ये फर्स्ट में पढ़ता है, इसका नाम रिशांक है, और ये सेकंड में पढ़ती है। क्या नाम है? सुरभि। आप क्या लगते हो? मैं इनका भाई हूँ। आपका नाम? नरेश। आपका